हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसको देखो, चार्ट पैटर्न अगर मंथली में देखें तो बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, पर अभी इसके एक रिजेक्शन लेवल है जो हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो ऑल टाइम हाई के हिसाब से अच्छा चल रहा है, चार्ट भी काफी अच्छा देखो, मतलब धीरे करते करते एक अच्छा पूरा अप ट्रेंड वाला चार्ट है। मतलब एक तरफ ऐसा नहीं सीधा चला है, पर हाँ एक बेस बनाता है, ब्रेकआउट देता है, बेस बनाता है, ब्रेकआउट था, उस टाइप का चार्ट ही। तो ऐसे चार्ट मतलब प्रीफर कर रहा था, मतलब ज्यादा अच्छे चार्ट प्रॉपर सेटअप के साथ चलते हैं रिजेक्शन ले रहा है। तो ये लेवल के आसपास जब भी जाता है ये वापस से रिजेक्शन लेता है और वापस उसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल जाती है। अब मल्टीपल रीजन होते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी बजट आ गया मान लो, कभी उस टाइम पे इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, कभी कुछ रीजन हो गया। आज जैसे मान लो मार्केट में सेलिंग थी तो आज अच्छी वजह से तेजी ली है ना, उसके बाद फिर वापस ऊपर से यहाँ पे रिजेक्शन मिला। पर एक चीज देखो यहाँ पे अच्छी बात, आज मार्केट में पूरे मार्केट में सेलिंग थी, फिर उसके अलावा भी लेकिन यहाँ पे मतलब अच्छी खासी उसमें विद वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे अच्छे खासे 5.5-6% का अच्छा खासा मूव दिया है यहाँ पे। तो इसको अभी इस लेवल पे यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा इसमें सपोर्ट लेवल कहाँ पे दिख रहा है, वो सपोर्ट लेवल इस जगह के आसपास का रिसेंटली जहाँ से इसने एक बार अभी सपोर्ट दिया था, क्योंकि पहले भी इस जगह पर यहाँ पे मल्टीपल स्विंग एक्टिवेट हो चुके थे। यहाँ पे ये देखो इस जगह पर कहीं पर यहाँ पे स्विंग एक्टिवेट हुए थे यहाँ पे ट्रेड के। तो ये वाला लेवल ही अच्छा सपोर्ट का लेवल रहेगा यहाँ पे, इस जगह के आसपास आता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाए तो फिर वापस से अच्छे नए मूव के लिए रेडी रहेगा वहाँ पे, फिर इसके ऊपर तो रिजेक्शन रहेगा नहीं। अभी तो क्या होगा ना यहाँ पे कि जब भी सेकी के आसपास आएगा यहाँ पे मतलब मल्टीपल रिजेक्शन ले चुका ही है, तो बार बार कभी ना कभी यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। एक बार यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा, सस्टेन कर जाएगा, तो फिर वहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी उसमें कि वहाँ पे शेयर होल्ड कर चुका है इसी जगह पर यहाँ पे, तो प्राइस को स्टेबल होने देते हैं यहाँ पे, तब ज्यादा क्लियरिटी मिल जाती है इसमें। तो लेवल्स पे उसको ध्यान रखना। और बाकी हम चीजें देखें यहाँ पे, पहले भी देखो जब जब बड़ी बड़ी वॉल्यूम आई थी, यहाँ बड़ी वॉल्यूम आई है उसके बाद एक शेयर है ना बहुत दिन तक एक रेंज में फंस गया। यहाँ पे यहाँ बड़ी वॉल्यूम आई उसके बाद रेंज में फंस गया यहाँ पे, मतलब जब जब बड़ी वॉल्यूम आती है उसके बाद कुछ टाइम तक शेयर एक नॉर्मली रेंज में फंसता है, उसके बाद फिर धीरे करते करते एक मोमेंटम देता है इसमें। सेम आज यहाँ पे भी एक अच्छी वॉल्यूम तो अच्छी आई है, मतलब पहले के कंपेयर में तो कम ही है लेकिन वॉल्यूम अच्छी है। अब ये हो सकता है कि शेयर बहुत दिन तक वापस से कुछ दिन के लिए यहाँ पे वापस इसी रेंज में फंस जाए कहीं ना कहीं, तो इस चीज़ को अभी मिड में अवॉइड करना है यहाँ पे, या तो बिल्कुल लो इस जगह के आसपास कहीं आए 370-375 के आसपास, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे लेने के हिसाब से। यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस भी हमारे लिए छोटा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवरेबल हो जाएगा। मिड में मान लो कहीं भी ले लिया, ठीक है सपोज कर ऊपर निकल गया, वो तो एक एग्जाम्पल है। बाई चांस अगर नीचे आ गया है ना, अभी 412 पे लेके बाई चांस 370 तक आ गया, तो अननेसेसरी का यहाँ पे भी क्या होगा ना, अब देखो ये 9-10% का जबस्ती का मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी नेगेटिव दिखेगा वहाँ पे, तो वो चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना। और बाकी प्रॉपर लेवल्स क्लियर होने हो जाए ऊपर या नीचे की तरफ वहाँ पे आप देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ साथ ये चीज़ भी देखना कि किस साइड में मतलब आपसे प्रीवियस में वॉल्यूम जब भी आई है तो मार्केट पे क्या इंपैक्ट देखने को मिला है, शेयर्स पे क्या इंपैक्ट मिला है। और ओवरऑल वैसे भी अभी क्या ना मार्केट थोड़ा सा आज नेगेटिव टाइप ही लग रहा था मार्केट के, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर कोई करेक्शन आता है तो अच्छा रहेगा करेक्शन, यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन अच्छा भी रहेगा यहाँ पे, इसमें शेयर्स के लिए भी रहेगा और मार्केट के इंडेक्स के लिए भी रहेगा यहाँ पे इसमें। तो इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, जो भी यहाँ पे चार्ट के बेस पर लगा इन्फॉर्मेशन लगी आपके साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।